26 अगस्त को हम लोग प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी और नितिन गडकरी जी के घर की तरफ जा रही थी जनता। हम उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे थे, सब कुछ शांति पूर्वक था, कोई हम लोग हिंसा नहीं कर रहे थे। तो हमारे हिसाब से हमने कोई गुनाह नहीं किया, जो कुछ हम कर रहे थे देश के लिए कर रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर आपके कानून की नजरों में वो सब अपराध है तो हम उसके लिए अपने आप को गुनहगार साबित कहते हैं और गिरफ्तारी देने के लिए और सजा भुगतने के लिए आपके कानून में हम तैयार हैं। लेकिन और आगे हम करते रहेंगे। लेकिन जो आप जनता को परेशान करते हो, रोज जाके उनके घरों में जा जाके परेशान कर रहे हो, उनको रोज बुला रहे हो यहाँ पे 50-50, 100-100 लोगों को, वो बंद कीजिए। तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आज से वो जनता के घरों में जाना बंद कर देगी, वो किसी को परेशान नहीं। हमने उनको कहा कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को डर नहीं लगता, हम आपकी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, जनता को परेशान मत कीजिए आप लोग। तो उन्होंने आज पुलिस ने वादा किया कि वो कुछ नहीं करेंगे और जो कुछ कार्रवाई करनी है वो हमारे खिलाफ करेंगे। ये जो मैंने लिख के दिया है, इसमें मैंने ये लिखा है, दिस लेटर में बी ट्रीटेड एज, ये जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी है इसको भी पढ़ दूंगा, दिस लेटर में बी ट्रीटेड एज माई स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक माई कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट, काइंडली अलाउ मी टू डू दैट। क्योंकि वो कहते हैं कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट हो वो चलता नहीं है कोर्ट में। हमने कहा हम कोर्ट में चलते हैं अभी आपके साथ, वहां स्टेटमेंट दे देंगे, लेके चलो हम लोगों को। Whatever happened on 26th August, I take moral responsibility for the same and take responsibility. I feel that what I did on 26th August was correct and if it was a crime under your law, I am willing to accept the punishment. I will continue to do it in future also. This confessional statement may be admitted with respect to all FIRs registered for 26th August protests in all police stations. अब ये प्रधानमंत्री को जो हमने चिट्ठी भेजी है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर देश की कोयले की खदानों को लगभग फ्री में बिना नीलामी के अपनी चहेती कंपनियों को दे दिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने ये करने के लिए जरूर मोटी रिश्वत ली होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों पार्टियों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियों में अच्छी साठगांठ नजर आती है। ऐसे ढेरों घोटाले निकल कर आ रहे हैं जिसमें दोनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। किसी भी राज्य या केंद्र में बीजेपी सत्ता में आती है तो किसी भी कांग्रेसी को भ्रष्टाचार के लिए सजा नहीं दिलाती, और कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसी भी बीजेपी वाले को भ्रष्टाचार की सजा नहीं दिलाती। जनता बेवकूफ बनती रहती है, एक बार बीजेपी को वोट देती है, एक बार कांग्रेस को वोट देती है। चाहे जो पार्टी सरकार में आ जाए, ठेके तो उन्हीं कुछ चंद कंपनियों को मिलते हैं जो दोनों पार्टियों की चहेती होती है। दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार और मिलीभगत को जनता के सामने उजागर करने के लिए 26 अगस्त को जनता ने एक दिन का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और हम लोगों की तरफ से बिल्कुल अहिंसात्मक था। इसके बावजूद आपकी पुलिस ने निहत्थे लोगों और महिलाओं पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने बेहद साहस, संयम और अनुशासन का परिचय दिया। हमने खुद कई लोगों को बिना उफ किए और बिना पुलिस पर हाथ उठाए पुलिस के डंडों से बर्बरता से पिटते हुए देखा। इन लोगों का कसूर यह था कि ये लोग जंतर मंतर से आपके, सोनिया गांधी जी के और नितिन गडकरी जी के घर की तरफ जा रहे थे। देश की बाकी जनता की तरह ये लोग बहुत दुखी हैं। रोज अखबारों में नए नए घोटाले पढ़ने को मिल रहे हैं। इतनी मेहनत करके आम आदमी पैसा कमाता है, अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स देता है, इस विश्वास से टैक्स देता है कि आप और आपकी सरकार देश का विकास करोगे। लेकिन जब वो अपने टैक्स के पैसे और कोयले जैसे देश की प्राकृतिक संपदा को लुटते हुए देखता है तो उसके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत गुस्सा आता है, खून खौल उठता है उस पर जब वो देखता है कि देश को लूटने वाला का जेल जाना तो दूर, मामलों की जांच तक नहीं होती। तो आप ही बताइए कि देश की जनता अपने गुस्से पर कैसे काबू रखे। ऐसे में जनता आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो उसमें बताओ क्या गलत है।
शांतिपूर्ण तरीके से आपके घर की तरफ आ रही जनता को यदि आप पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं तो क्या ये ठीक है? प्रधानमंत्री के घर के पास जब पुलिस ने डंडों से पीटना चालू किया तो मैंने कई बार हाथ जोड़कर पुलिस से प्रार्थना की कि आप इन्हें मत मारिए, मैं इन्हें शांतिपूर्वक रोड पर बिठा देता हूँ, लेकिन आपकी पुलिस नहीं मानी। पुलिस के आचरण से ऐसे लग रहा था कि मानो हमें अच्छा सबक सिखाने के लिए उनको ऊपर से आदेश दिए गए हैं। हमें क्यों मारा जा रहा था? पूछने पर पुलिस ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी, सोनिया गांधी जी और नितिन गडकरी जी की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अब आपको इस देश के लोगों से खतरा लगने लगा है? जिस देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों से खतरा लगने लगे उस देश में जनतंत्र नहीं रहता। इसका मतलब प्रधानमंत्री जनता का विश्वास खो चुके हैं। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको 1000 लोगों से खतरा लग रहा होगा, पर 26 तारीख की सुबह 6:30 बजे मैं, गोपाल राय और अभिनव, हम तीनों लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर आपके घर के सामने वाली सड़क के फुटपाथ पर धीमे धीमे चल रहे थे। हमें बताया गया कि आपके घर के सामने धारा 144 लगी है। धारा 144 में तो 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना वर्जित होता है। हम तो 3 ही थे, हमने धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, हमने किसी कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। इसके बावजूद अचानक पुलिस की कई गाड़ियां आई और हमारे शरीरों को उठाकर गाड़ियों में धकेल दिया गया। क्या कसूर था हमारा? क्या देश में फुटपाथ पर तिरंगा लेकर चलना एक जुर्म है? हमें किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया? पूछने पर पुलिस ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो क्या प्रधानमंत्री को 3 निहत्थे लोगों से डर लगने लगा है? गोपाल राय तो अपाहिज आदमी है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को 1 निहत्थे अपाहिज से भी डर लगने लगा है? जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो जाए उस देश का वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। हमारा प्रदर्शन समाप्त होने के चंद घंटों के भीतर आपकी पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ 5 FIR दर्ज कर दी। आपकी सरकार की इस मुस्तैदी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आरोप है कि ए राजा ने देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगाया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने में आपकी सरकार को 1.5 साल लग गए। सुरेश कलमाडी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करने में कई महीने लग गए। कमलनाथ ने 2,500 करोड़ का चावल निर्यात में घोटाला किया, उस मामले को 5 साल हो गए, उसमें तो आज तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। चिदम्बरम जी के खिलाफ तो ढेरों भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन एक भी मामले में FIR दर्ज नहीं हुई। आपके मंत्रिमंडल में कई मंत्री पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, ठोस सबूत हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ FIR नहीं होती, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली जनता पर कुछ घंटों में ही पुलिस केस दर्ज कर देती है। पिछले कुछ दिनों से आपकी पुलिस आंदोलन से जुड़े लोगों के घरों में नोटिस लेकर पहुंच रही है, उन्हें पुलिस थाने में बुलाया जा रहा है, उन पर ढेरों धाराएं थोपी जा रही है, पूरा दिन उन्हें थाने में बिठा कर रखा जाता है, हम पर भी ढेरों धाराएं लगाई गई हैं। क्या पुलिस एक बार चोर घोटाले कोयला चोरों के घर गई? ऐसे लग रहा है जैसे कोयले की चोरी हम ही लोगों ने कर ली हो। हम लोग तो आपको कहने आए थे जी, देश का 2,00,000 करोड़ का कोयला चोरी हो गया, कृपया चोरों को पकड़ लीजिए और चोरी का माल वापस ले लीजिए। आपने तो हम ही लोगों को जेल में डाल दिया। इस खत के जरिए हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक और संविधान के अनुरूप था। आपकी पुलिस और आपकी सरकार ने गलत तरीके से निहत्थे लोगों पर डंडे बरसाकर संविधान का उल्लंघन किया है। आपकी सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए धारा 144 लगाई थी। हमें लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचार से हम देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हमने 26 अगस्त को किया वो हमारा धर्म था और आने वाले समय में हम करते रहेंगे। हम पर लगाई गई धाराओं के बारे में हम लोगों को निम्नलिखित कहना है। हम कबूल करते हैं कि हमने धारा 144 का उल्लंघन किया। अगर भविष्य में सरकार गलत तरीके से धारा 144 लगाएगी और यदि देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उसका उल्लंघन करना जरूरी हुआ तो हम भविष्य में भी इसका उल्लंघन करेंगे। आपके कानून में
आपके कानून में इसके लिए जो भी सजा है हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। नंबर दो, आपकी सरकार ने हम पर दंगा करने और दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। दंगा हम कर रहे हैं या देश में दंगा फसाद बीजेपी और कांग्रेस कराते हैं? आप देश के लोगों से पूछ के तो देखिए, सारे देश की जनता कहेगी कि बीजेपी और कांग्रेस वाले दंगे कराते हैं। फिर भी यदि आपके कानून के मुताबिक हम दंगा कर रहे थे तो हम इसके लिए गुनाहगार हैं और सजा भुगतने के लिए तैयार हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। नंबर तीन, हम पर आरोप लगाया गया है कि हमने हथियारों से पुलिस पर हमला किया। ये सरासर बेबुनियाद है। लोग निहत्थे थे और वार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। नंबर चार, हम पर आरोप है कि हमने दिल्ली पुलिस के कामकाज में बाधा पहुंचाई। इसके लिए समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का आखिर काम क्या है। क्या दिल्ली पुलिस का काम कोयला चोरों को पकड़ना नहीं था? क्या दिल्ली पुलिस का काम भ्रष्टाचारियों से देश की रक्षा करने का नहीं था? दिल्ली पुलिस निहत्थे लोगों पर डंडे बरसा रही थी। हमारे लोगों ने जरूर इन डंडों से एक दूसरे को बचाने की कोशिश की होगी, और अगर ये बचाना जुर्म है तो हम इसके लिए गुनाहगार हैं, इसके लिए सजा भुगतने को तैयार हैं, और देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भविष्य में हम ऐसा करना पड़ा तो फिर से करेंगे। नंबर पांच, हम पर आरोप है कि हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ साथियों ने पुलिस की बस और जीप के पहियों की हवा जरूर निकाली थी, लेकिन किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा हमारा कतई नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए जनता तैयार हो गई है। आपकी जेल और आपकी लाठियां आप जनता को रोक नहीं सकती। आपकी लाठियां टूट जाएंगी पर जनता का साहस नहीं टूटेगा। वो समय दूर नहीं जब आपकी जेलें प्रदर्शनकारियों को रखने के लिए छोटी पड़ जाएंगी। अंग्रेजों की नजरों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपराधी थे। आपके सरकार की नजरों में हम लोग अपराधी हैं। आजाद की इस दूसरी लड़ाई में आपकी सरकार हमें जो सजा देगी हम वह सजा कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप कहेंगे कि हमने ये पत्र आपको क्यों लिखा? आप कहेंगे कि मामला तो पुलिस में चल रहा है, लेकिन आपके कुछ मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। आपके कुछ मंत्रियों का कहना है कि पुलिस अपने विवेक से काम कर रही है, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। तो आप ही बताइए कि क्या पुलिस सरकार के अधीन नहीं है? पुलिस सरकार का हिस्सा नहीं है? तो फिर आपके मंत्री जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर आप और आपकी सरकार जिम्मेदार हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण आवाज उठाने पर डंडे बरसाने के लिए भी आप और आपकी सरकार जिम्मेदार हैं। इसलिए सीधे बात हम इस देश के प्रधानमंत्री से ही करेंगे। हमारी आपसे विनती है कि आप अपनी पुलिस से कहें कि ऊपर दिए कथन के मुताबिक यदि हमारे कृत्य आपके कानून की नजरों में जुर्म है तो हम अपना जुर्म कबूल करते हैं और इसके लिए सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं।